25 साल पहले जो कंपनीज आई, मैं नाम नहीं लेना चाहता यहाँ ओपन फोरम के अंदर, वहां पर पैटर्न बहुत स्लो थे। 3 साल, 4 साल, 5 साल लग जाते थे एक एक लाख रुपए के चेक तक पहुंचने के लिए। तो एक माइंड सेट हो गया जनरेशन बिजनेस को लेकर कि यहाँ पर इनकम बहुत स्लो आता है, बहुत धीरे है। मतलब सुई से कुआं खोदने की बात बोली जाती थी कि आप सुई से कुआं खोदने लगे हैं, राइट। और मेरा सवाल यह है गौतम सर, और आप थोड़ा सा अपना मार्गदर्शन देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा नए जनरेशन को। हमारे यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो रहा है, मैं चाहता हूँ आप उसको एड्रेस करें। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हमारी इनकम बहुत तेजी से बहुत तेज आ रही है, तो और वो बच्चे बहुत छोटे हैं, 20 साल, 21 साल, 22 साल, 23 साल के। तो वो आत्ममुग्ध ना हो, वो इसी को अपना सबसे बड़ा चेक ना समझें। मैं तो अपने तरीके से बहुत समझाता हूँ, लेकिन आपका समझाना एक बड़े बुजुर्ग की हैसियत से भी, हमारे अपलाइन की हैसियत से भी, कंपनी के डायरेक्टर की हैसियत से भी, और इतने बड़े एक्सपीरियंस की हैसियत से भी, आज बहुत सारे लोगों के बहुत अच्छे पे आउट है एक साल में जो अनइमेजिनेबल है। तो आपकी तरफ से उनको क्या संदेश है कि अभी मतलब खुश नहीं होना है टाइप, या और बहुत आगे जाना है, या इसमें अभी बहुत जल्दी हो गया है तो बहुत जल्दी निश्चिंत होने की जरूरत नहीं है टाइप। आप समझ रहे हैं मेरा क्वेश्चन क्या है? बिल्कुल 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 समझ रहा हूं सोनू जी। मैं एक चीज कहूंगा कि इस दुनिया में अगर आप किसी भी चीज का आविष्कार देखें, जब उसका आविष्कार हुआ तो उसकी गति जो थी वो धीमी थी। ठीक, अगर आप मोटर गाड़ी का आविष्कार की बात देखें, जब हेनरी फोर्ड ने मॉडल टी बनाया था, ठीक है, तो उसके अंदर जो है इंजन की कैपेसिटी जो थी, मेरे ख्याल से वो 10 या 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज्यादा नहीं चलती थी। समय के अनुसार जैसे और बदलाव आता रहता है, बिकॉज चेंज इज कॉन्स्टेंट। अगर दुनिया में हम अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, अपने एटमॉस्फेयर को नहीं चेंज करेंगे, जिस बिजनेस में हम काम कर रहे हैं उसमें बदलाव नहीं लाएंगे, तो कॉन्टिन्यूसली अगर हम चेंज नहीं लाएंगे फॉर बेटरमेंट, तो मेरा ख्याल से वही गति रह जाएगी। जो लोग बदलाव ला रहे हैं वो आगे तेज गति से आगे निकल जाएंगे। यस, जनरेशन प्लान्स आज के 60 साल पहले जब शुरू हुए तो उनके अंदर धीमी गति जरूर थी, क्योंकि पहली बात लोगों को बिजनेस करना नहीं आता था, दूसरी बात कंपनियों ने इतने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाए थे, तीसरी बात लोग शायद वो प्रोडक्ट का कंजम्पशन पैटर्न नहीं जानते थे, अपनी टीम्स को कैसे बढ़ा सकते हैं वो नहीं जानते थे। उसी कारण के करके मेरा ख्याल से डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आमदनी स्लो थी। पर आज के दिन पे अगर देखें, जो कॉन्टिन्यूस मॉडिफिकेशन है, वेदर प्रोडक्ट है, वेदर एजुकेशन सिस्टम है, वेदर बोनसेस हैं, वेदर प्रमोशंस हैं, उसके करके आज के दिन पे मैं बाकी प्लान्स के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि वेस्टीज के सिस्टम के अंदर फेनोमिनल ग्रोथ होगी। एब्सोल्युटली मेरा ख्याल से इन 16 साल के अंदर हर चीज के अंदर वेस्टीज ने सिर्फ बेंचमार्क क्रिएट किए। अगर आप देखेंगे, आज के 4 या 5 दिन पहले एक और माननीय बड़ी कंपनी जिसकी शुरुआत बहुत देर पहले हुई थी, हिंदुस्तानी कंपनी, उसने फिर से वेस्टीज का आत्मनिर्भर प्लान कॉपी कर लिया। ओके राइट right. नहीं, ओके नहीं नहीं, ओके नहीं है नहीं मतलब नहीं, तो ये क्या है, ये लोगों के लिए क्लियर संदेश है कि वेस्टीज जो कर रही है वो किसी के पास सोचने की हिम्मत भी नहीं है। लोगों ने सोचने का प्रयास ही करना छोड़ दिया है। सिर्फ ये पता है कि वेस्टीज जो करेगी वो डिस्ट्रीब्यूटर्स के हित में इतना बेहतर होगा जिसके करके लोगों के पास लॉन्ग टर्म इनकम आएगी, लोगों के पास स्टेबल इनकम आएगी, लोगों की ग्रोथ फिनोमिनल होगी। इसलिए बाकी कंपनियां आज के दिन पे वेस्टीज को फॉलो कर रही। तो जो मिथ पहले लोगों के पास थी कि जनरेशन प्लान के अंदर आमदनी स्लो है, मेरा ख्याल से उसका जीता जागता उदाहरण तो शायद आप खुद ही हैं सोनू जी, कि आप पहले जिस कंपनी में थे लगभग 17 साल वहां पे रहे, आपका ऑन एवरेज 25 लाख का चेक था, और मैंने जैसे आपको सितंबर के महीने के अंदर शुरुआत में ही आपको मुबारकबाद दी थी जब आपने वो पहले दिन की फोटो मुझे व्हाट्सएप पे भेजी थी,
कि एंटायर टीम सोनू शर्मा को एक साल कंप्लीट हुआ एंड फॉर विच वी आर वेरी वेरी हैप्पी एंड हमें बहुत खुशी है कि हम साथ हैं और इतना बड़ा और परिवार बना रहे हैं। और फास्ट इनकम का मेरा ख्याल से जो आपने 17 साल के आसपास लगभग 25 लाख कमा रहे थे, आपका अगस्त का पे आउट लगभग 23 लाख समथिंग था, 22 लाख राइट, 22 लाख समथिंग। अब अगर आप देखो कि कहां पे बाकी सिस्टम्स के अंदर लोगों को 10 से लेके 12 या 15 साल लग जाते थे, उसको आपने एंटायर एक चेंज ले आए। व्हाई? बिकॉज नंबर वन, अगर आप इस सिस्टम में स्लो काम करोगे तो स्लो आमदनी आएगी, तेज काम करोगे तो तेज आमदनी आएगी। ऐसा कोई आमदनी का कोई रोक नहीं है कि आपके पास जल्दी नहीं आ सकती। और मुझे बहुत खुशी होती है इस चीज के अंदर जो आपकी एंटायर टीम मेरे ख्याल से इस टाइम पे 2.5 लाख लोगों की हो चुकी है एक साल के अंदर। राइट सर, राइट, राइट, दैट्स अ फिनोमिनल ग्रोथ और फिनोमिनल नंबर जो आप अपने ग्रुप के अंदर लेके आए हैं। और वो कहे के लिए हुआ, ये हुआ उन लोगों के साथ जो नंबर वन पहले से ही एक्सपीरियंस थे, जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सब कुछ पहले से देखा हुआ था कि सिस्टम कैसे काम करता है, राइट, 8 से लेकर 10 साल का तजुर्बा वहां पे पाए हुए थे। पर यहां पे आके कि नंबर ऑफ पीपल, देखिए सिर्फ लीडर की सक्सेस की बात नहीं होती, बात होती है लीडर की लीडरशिप तभी बनी रह सकती है जब उसके बेइंतहा लोग सफल हों, राइट। और टीम सोनू शर्मा के अंदर, टीएसएस के अंदर, मुझे सबसे बड़ी जो खुशी होती है कि इनफैक्ट मेरा ख्याल से नवंबर के अंदर लगभग 5 से ज्यादा लोग आपके ग्रुप के अंदर गाड़ियां ले रहे हैं, मुझे दीपक सूद जी ने भी इंफॉर्मेशन दी थी। जी सर, जी सर, राइट, आई एम सो हैप्पी। मुझे आज के दिन पे भी वो पहले दिन जो जब आपकी टीम के साथ मिलने शुरू हुए थे, जब हम गौरव भाटिया जी के साथ मिले, संदीप नरवाल जी के साथ मिले, भूपेश मेहरा जी के साथ मिले, एंड आई एम सो हैप्पी कि एक साल अभी हुआ है और गौरव जी ले रहे हैं मर्सिडीज जीएलई, और मेरे ख्याल से संदीप जी का मुझे जो पता चला है कि ही इज ऑल्सो टेकिंग अ मर्सिडीज विच इज जीएलसी, एंड भूपेश मेहरा जी ऑडी Q3 ले रहे हैं। यू नो, फास्ट इनकम की बात करें तो 22 साल का अगर एक लड़का दीपांशु अपने लिए हुंडई क्रेटा ले सकता है, करण कौशिक जी अपने लिए हुंडई क्रिएटा ले सकते हैं, तो ये सिस्टम की पावर है कि सिस्टम के अंदर अगर आपने फास्ट काम किया, अपनी लीडरशिप को विश्वास करके और उनके बताए हुए रास्ते पे चला, तो आपकी सक्सेस निश्चित है, राइट। और जैसे मुझे पता है कि वरिंदर जी ने ऑलरेडी एक हुंडई वरना ले चुके हैं जो 15 लाख की है, राइट, उनका करंट चेक 5 लाख का है और एज है 21 साल। जी सर, मैं इस अब महान तो नहीं कह सकता, अभी तो उम्र में छोटा है, पर 21 साल के अंदर 5 लाख रुपए की आमदनी, तब तो मैं 5 रुपए मांगा करता था 21 साल की उम्र में अपने फादर से, अपनी मदर से, कि दे दो गाड़ी, मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाना है, कुछ करना है। दिस इज अ फिनोमिनल ग्रोथ पैटर्न। और देखिए जो आज के दिन पे वरिंदर जी कर रहे हैं कि 5 लाख का चेक है, ये वेस्टिज में पहली बार ही नहीं हुआ। अगर हम आप देखें, सरोज पानी ग्रही हो गए हमारे, व्हाट्स इज अनदर नेम, दोनों फ्रेंड्स एमबीए कर रहे थे भुवनेश्वर में, एंड इन दोनों ने उस टाइम पे अपने लिए बीएमडब्ल्यू कॉलेज में पढ़ते हुए एमबीए करते हुए फाइनल ईयर में खरीदी थी, तब इनके भी चेक 2-2.5 लाख के आसपास थे, आज के दिन पे उनके चेक 15-15 लाख के हैं, राइट। So, मेरा जो आपकी टीम को कहना होगा, ये सिर्फ अभी शुरुआत है, ये सिर्फ डिपेंड करता है कि आपकी भूख कितनी है, कि आप संतुष्ट हैं 5 लाख रुपए में, कि क्या आपके अंदर तब भी आ गए जब आपका चेक होगा 50 लाख रुपया, राइट। क्यों ना ऐसा हो कि हिंदुस्तान की बात छोड़ो, इंडिया की बात छोड़ो, आपकी स्टेट की बात छोड़ो, आपकी टीम की बात छोड़ो, आने वाले अगले 15 साल तक पूरे देश भर में अगर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर नाम लिया जाए, वन ऑफ द टॉप अर्नर्स के अंदर, उनके अंदर अगर आपका नाम हो, दैट इज अ काइंड ऑफ अ ग्लोरी, या जिसके लिए लोगों को जाना है। देखिए आज के दिन पे वेस्टीज और साथ मेरी बाकी बिजनेसेस के अंदर फिनोमिनल ग्रोथ है, वी आर क्लोज टू राउंड अबाउट 4,000 करोड़ का ग्रुप,
आज के दिन पे भी अगर हम दिन रात सब काम कर रहे हैं, ना ही सिर्फ कंपनी की मैनेजमेंट, जो हमारी एंटायर लीडरशिप, जो आज के दिन पे अगर 1 करोड़ की आमदनी पे जा चुके हैं, लोग 50 लाख भी कमा रहे हैं, जो लोग 20-20 लाख से भी ऊपर आमदनी कमा रहे हैं, वो 20 लाख रुपए की आमदनी या 50 लाख रुपए की आमदनी के लिए काम नहीं कर रहे। पैसे की भूख वहां पे नहीं है, वहां पे है कि अगर आज हमारे पास एक पावर है, ये रियलाइज करना बहुत जरूरी है कि आज हमारे हाथों में एक शक्ति है कि हम लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं। एब्सोल्युटली सर, राइट। सोनू जी, गौरव जी, संदीप जी, भूपेश जी, एवरीबडी एंड एंटायर योर टीम, जिसके अंदर मेरे ख्याल से 20-25 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो लाख या 2 लाख की आमदनी से ज्यादा पा रहे हैं, 15 से ज्यादा लोग हैं जो 2 लाख की आमदनी पा रहे हैं, राइट। गौरव जी का लास्ट मंथ का चेक लगभग 9 लाख के आसपास था, संदीप जी का चेक लगभग 5 लाख के आसपास था। You know, the point is not 5 lakhs, point is not 9 lakh rupiah. आज के दिन पे हमारे हाथ में पावर है कि अगर किसी आदमी का अगर हम हाथ पकड़ते हैं तो आज के 2-3 साल के बाद वो 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख की आमदनी पे हम उसको बना सकते हैं। Excellent, excellent. Absolutely. Be satisfied about what? Right? मुझे याद है कि जब मैं स्कूल पढ़ता था तो जो कई बार अखबार पढ़ते थे तो अखबार में एक मैट्रिमनी का जो कॉलम होता है ना, लड़के लड़की का, उसके अंदर कहता था, लिखा जाता था, लड़का जो है वो लखपति फैमिली से है। हाँ, आज के दिन पे तो एक पान का ठेला लगाने वाला भी लखपति है। जिस आदमी ने गाड़ी ले ली, जिसने आज के दिन पे अगर आप मोटरसाइकिल देख लो, मोटरसाइकिल वही लाख लाख रुपए के मिल रहे हैं। सो अगर लोग लाख रुपए पे सेटिस्फाइड हो जाते तो आज के दिन पे वो सिर्फ पान की दुकान रहते, वो दे वुड नॉट हैव बिकम एफ्लुएंट। ट्रू। सो फॉर योर एंटायर टीम, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि यू आर ब्लेस्ड चिल्ड्रन ऑफ गॉड, कि आप उस परिवार में हैं जो इस कठिन समय के अंदर भी फिनोमिनल ग्रो कर रहा है। जैसे ही समय बेहतर आएगा तो नंबर वन आपकी जिंदगी कितनी बदलेगी और नंबर टू आप कितने लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकेंगे। डोंट थिंक अबाउट योर चेक, अपने घर कि आपके पास आलीशान घर है, आपके पास बड़ी गाड़ी है, वो तो दुनिया के हर कीड़े मकोड़े का सपना होता है कि मेरे पास भी अपना एक घर हो। मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि थिंक बिग। यू नो, मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा मुझे किस चीज ने प्रभावित किया, मैं आज आपसे शेयर करना चाहूंगा। प्लीज सर। मैं एक ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करने गया था, बहुत साल हो गए, लगभग 20 साल पहले हो गया, वेस्टीज से, हाँ कम से कम 5 या 6 साल, ये लगभग 98 की बात है, 1998 की। तो जब ट्रेनिंग प्रोग्राम जब शुरू होने लगा तो उस जो हमारा ट्रेनर था उसने कहा कि राइट योर ओन ऑब्चुरी। राइट, ऑब्चुरी का मतलब होता है कि जैसे आप अखबार में देखते हैं जो ऑब्चुरी आती है कि ना फलाना आदमी जो इस डेट को पैदा हुआ, इस डेट को मर गया, बहुत अच्छा आदमी था, ये था वो था, जो मर्जी लिखा होता है। तो उसने कहा कि राइट योर ओन ऑब्चुरी, कि अगर कल को आप इस दुनिया में नहीं हो, राइट, हमारे सामने शायद लोग हमारे बारे में बोलने से घबराए, पर जब आप इस दुनिया में नहीं रहे तो आपके बारे में दुनिया क्या बोलेगी वो आप तय करके इस दुनिया से जाओ। क्या बात है, राइट। उसने हमें एक और कहानी उसमें सुनाई, उसने कहा कि एक व्यक्ति जो बहुत पैसे वाला था, दुनिया में सारे उसको जानते थे, जब वो जिंदा था उसने एक दिन सुबह सुबह अखबार उठाया, उस अखबार के ऊपर गलती से छप गया था कि द मर्चेंट ऑफ डेथ इज नो मोर। उस व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूं जिसका नाम था अल्फ्रेड नोबल, जिनके नाम पे नोबल पीस प्राइज है, जिन्होंने दुनिया में TNT का आविष्कार किया था,
उन्होंने टीएनटी का विश्वास किया आविष्कार किया था, तभी अखबार में छपा ये कि मर्चेंट ऑफ डेथ, यानी कि जिससे उस विस्फोटक पदार्थ के करके दुनिया में तबाही भी हुई, उससे बिल्डिंग्स भी बनी, सब कुछ बना। पर मैं सिर्फ बात कर रहा हूं सोच की, कि जब उसने अखबार में देखा कि ये गलती से छप गया है, उसने कहा कि जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे, मौत का सौदागर। सोनू जी, उस दिन से उस आदमी में परिवर्तन आया। उसने कहा मैं लिखूंगा अपनी ओबिचुरी कि जब मैं इस दुनिया में ना रहूं तो लोग मुझे कैसे जाने। तब नोबल फाउंडेशन की शुरुआत हुई। सो द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक ओवर हियर इज कि हमारे हाथ में आज के दिन पे पावर है कि हम जब इस दुनिया में ना रहें तो लोग क्या कहें, कि ये वो व्यक्ति था जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदली, राइट? ये वो व्यक्ति था जिसने इतना दान पुण्य किया कि लोगों की जिंदगी में एक अलग विश्वास लाया, कि वो व्यक्ति था जो हर एक से हंस के बात करता था, ये वो व्यक्ति था जिसने अपने दुख को नहीं देखा बल्कि लोगों के दुख को पहचाना और उनकी मदद की और जिंदगी बदली। सुनो जी, यू नो, इस बिजनेस के लिए मैं पैशनेट क्यों हूं? मैं इस बिजनेस के लिए इसलिए पैशनेट हूं क्योंकि इसके अंदर हम एक व्यक्ति की जिंदगी नहीं बदलते, ट्रू, हम उसकी आने वाली पुश्तों यानी कि जनरेशंस की जिंदगी बदलते हैं। एब्सोल्युटली सर, हमारे पास ऐसे लोग हैं जो खेत मजदूर थे, हमारे पास ऐसे लोग हैं जिनका 2,500 से लेकर 3,000 रुपया कमाना मुश्किल था, जिंदगी में आत्महत्या का वो कंटेम्पलेट कर रहे थे, उसके बारे में सोचा, दो दो तीन तीन बारी प्रयास भी किए, अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सक रहे थे क्योंकि पैसे नहीं थे। आज के दिन पे मर्सिडीज चलाते हैं, ऑडीज चलाते हैं, बीएमडब्ल्यू चलाते हैं, अपने लिए 1.5-1.5 करोड़ के फ्लैट ले चुके हैं, बच्चे उनके बेहतरीन स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो वेस्टीज के डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस ने उनको लग्जरी कार प्लान से नहीं दी, उनको सिर्फ घर नहीं दिया, उनके पेट में सिर्फ अनाज नहीं डाला बल्कि उनकी आने वाली जनरेशंस को बदल दिया। सुपर। तो मैं एंटायर टीम से एक बात कहना चाहूंगा, पैसा तो किसी भी प्लान में आ जाएगा, पैसा तो किसी भी कंपनी के अंदर आ जाएगा, बट आप लोगों के पास वो पावर है कि आप आने वाली जनरेशंस को चेंज कर सकते हैं। सो वर्क टूवर्ड्स दैट। 5 लाख 10 लाख इज अ स्मॉलर अमाउंट, बिलीव मी, अगले 6 महीने अगले 1 साल के बाद आप कहेंगे यार 5 लाख रुपए के चेक पे मैं इतना ऊंचा होता था कि रात को मेरे को नींद नहीं आती थी, चौड़ा होके चलता था, अबे वो तो छोटा सा चेक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ द सिस्टम, दैट्स माय। मैं सीरियसली आपको बताना चाहता हूँ गौतम सर कि इस करीब करीब 350 दिन की जर्नी के अंदर ये 6 महीने तो कोविड में निकल गए और घर बैठ के निकल गए, और खुशी की बात यह है कि हम घर बैठ के बिजनेस बढ़ा गए, मतलब हमारा बिजनेस 0.1% डाउन नहीं हुआ, हम लोगों के बिजनेस हर महीने 15% 20% 25% की ग्रोथ से बढ़ रहा है और बहुत सुपर स्पीड में जा रहा है। तो सब लोगों को जो पैसा आ रहा है वो उनको लगता है कि यार ये तो मतलब इतने पैसे कैसे आ सकते हैं जनरेशन प्लान के अंदर, ये तो 1 साल पहले हमने सोचा ही नहीं था। और जहां तक वो आपका सवाल है कि किसी कंपनी ने प्लान को कॉपी कर लिया या एक नई कंपनी ने वेस्टेज के प्लान को कॉपी कर लिया, तो मैं गौतम सर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता सकता हूँ कि कॉपी करना बहुत आसान होता है, लेकिन दिक्कत होती है पेस्ट करने में। कॉपी तो हो जाता है, पेस्ट नहीं होता। सही बात। कंट्रोल सी तो बहुत आसान है, कोई भी कर लेता है, लेकिन कंट्रोल वी नहीं होता। तो वो वी और सी तो हो जाता है, पर सबसे बड़ी बात है कंट्रोल ही नहीं होता। ये भी ठीक बात है। मैंने उस दिन हम लोग अपना एनिवर्सरी जब मना रहे थे तो दीपक सर हमारे सामने बैठे हुए थे, तो दीपक सर भी ये कह रहे थे कि कुछ लोग वेस्टेज के प्लान कॉपी कर लेते हैं, हमने कंसिस्टेंसी चलाई तो बहुत सारे लोग कंसिस्टेंसी चला लेते हैं, हम ये कर लेते हैं तो वो कर लेते हैं। मैंने कहा वो सब कुछ कर लेते हैं, वो दीपक सूद कहाँ से लाएंगे। सही बात है। मैंने कहा वो सब कुछ कर लेंगे लेकिन जो हमारे सामने दीपक सूद बैठे हैं वो कहाँ से लेके आएंगे, वो तो दूसरे नहीं आ सकते, जो मैनेजमेंट है वो तो दूसरी नहीं आ सकती ना। सो सर, ये बहुत अच्छा रहा पिछला 1 साल हमारा आपके साथ, और
हमने आपको बहुत मिस किया, पहले तो हम आपको ये बताएं कि हमने आपको बहुत मिस किया वहां पर।